फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला नया साल आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और जो सपने हमारे अधूरे रह गए पिछले साल, अल्लाह ताला सपने और ख्वाहिशें वो इस साल में ज़रूर पूरी करें। इस दुआ के साथ अपना आज का भी लौट शुरू करती हूँ कि हमें हम सबकी ज़िंदगियों में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें और हम सब को ऐसा इंसान बनाए जिसकी वजह से हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ हों, ना कि उन लोगों में हमें शामिल करें जो दूसरों की ज़िंदगियों में मुश्किलात और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस खूबसूरत दुआ के साथ अपने आज के दिन की शुरुआत करती हूँ, नए साल का नया व्लॉग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो जनाब, आज सुबह से बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, आई डोंट नो व्हाई, और मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी वो तेज़ हवा का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है। मौसम की अपडेट मैंने आपको दे दी है जुबेल शहर की। इसके बाद कल स्टैचर पे बहुत ही अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी और बहुत अच्छी प्रमोशंस लगी हुई थी, तो मैंने हस्बैंड की बर्थडे आती है जनवरी में, मैंने उनको गिफ्ट देने था, गिफ्ट करना था, तो मैंने उनको शूज़ लेकर दिए, और वो शूज़ जो हैं वो आज पहन कर गए हैं ऑफिस, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी। और ये शॉपिंग मैंने कल रात को की और बहुत इकनॉमिकली हमें शूज़ मिल गए। स्टैचू के शूज़ तो ये होता है कि आपके पाँव के लिए बहुत अच्छा होता है। एनीवेज, बहुत सारे काम करने हैं। हम ये वाली बॉटल्स यूज़ करते हैं ना, तो इनका इतना कचरा हो जाता है कि इनको मैं पूरा दिन बोतलें ही जमा करती रहती हूँ। मेरे खाने पकाने का प्लान आज का कुछ इस तरह से है कि आज मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊंगी अ केक। आई एम गोइंग टू बेक अ केक। कल मैंने दाल बनाई थी, मेरे पास अभी पड़ी हुई है, तो आई विल सर्व दैट विद बॉइल्ड राइस। मुझे बॉइल्ड राइस बॉइल करने हैं आज अपने हस्बैंड के लिए, और बस। तो चलें देखते हैं, मैं अपने दिन की शुरुआत कर चुकी हूँ, अब देखें कहाँ तक पहुँचता है ये। जी तो जनाब, मेरी किचन की अपडेट्स ये हैं कि मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है, मैंने एक कप चावल निकालने हैं और चावल भी निकाल के रखे हुए हैं। हम लोग दो लोग हैं, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ये वाला एक कप चावलों का बहुत होता है, इनफ होता है, हम ये दो टाइम खा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने केक के सामान की भी सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ यू टेन कमेंट एंड आस्क। वैसे मुझे बिल्कुल छोटू वाला सिंपल प्लेन केक, टी केक बना रही हूँ, जिसमें मुझे तीन अंडे, सेल्फ राइजिंग फ्लोर, शुगर, वनीला एसेंस और क्या बोलते हैं, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, आपके पास अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये भी निकाल दिया, तो मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, स्पेशली इन टी केक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। और मैं ये ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ बटर फॉर माई केक। सो बस ये मेरी सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने निकाल के जमा करनी हैं। अब मैं प्रोसेस शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ से मैं चावल एक कप निकाल के भिगो दूँ। मैं आलिया वालों के चावल यूज़ करती हूँ, और ये बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी चावल है और बहुत लंबा होता है। ओके, अबाउट 30 मिनट्स, और मैं इसको बीच बीच में चेक भी कर लूँगी। 25 मिनट्स आई गेस इट्स गोइंग टू बी डन, लेकिन फिर भी मैं इसको बीच बीच में एक आध दफ़ा देख भी लूँगी। और दूसरी तरफ मेरे चावल बिल्कुल उबल चुके हैं और मैं उनको बस निकालने लगी हूँ। चावल निकालने के लिए मैंने बास्केट रख दी है सिंक में, और दे आर वेल डन, दे आर वेल डन। तो चावल उबालना मेरे ख्याल से बहुत सिंपल काम है,
और दाल चावल सभी के फेवरेट होते हैं, मेरे तो बहुत हैं। तो दाल मैंने बस कल बनाई थी, चावल आज उबाल लिए। इट विल बी जस्ट गोइंग टू बी ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। At that point you can add जी तो जनाब मैंने ये 6 से चावल इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको लगा दूंगी तो लो फ्लेम पे जब तक कि मेरे हस्बैंड आते हैं, तब तक राइस तैयार। दे आर ऑलरेडी रेडीड। सो मैं अपना केक रख दूँ। इट्स वाज प्री हीटेड वेल, सो देख लीजिए। तो मैंने अभी इसका टाइमर 20 मिनट्स का सेट किया है और इसका टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड है। आई जस्ट होप कि इसमें ये अच्छे से बने। तो बाद में मिलते हैं। चीज़ें समेटने ही लगी थी तो मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे फरमाइश की थी रात को सोते हुए। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं थोड़े पकौड़े बना लूँ, तो अब मैं यहाँ पर वही पकौड़ों का सामान तैयार करने लगी हूँ। और उनका तमाम सर मसाले मैंने निकाले, मेरे पास बस यही थोड़ा सा बेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। घर वापस आ चुकी हैं और ये मेरे पकौड़े बहुत मज़े के लग रहे हैं। कबाब, राइस और तल की ये दाल थी। और ये मेरे हस्बैंड अभी चाय भी ले आए हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज वेल। बाय।